होता है, पेप्सिन एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। ये प्रोटीन सबको जल अघटित करके प्रोटियोजेज तथा पेप्टोन्स में बदल देता है। किस बदलता है? प्रोटियोजेज और पेप्टोन्स में। अब जो रेनिन नामक एंजाइम है, सबसे पहले तो हम लोग जो दूध वगैरह पीते हैं, तो जो दूध वगैरह पीते हैं तो दूध में कैसीन प्रोटीन होती है। कौन सी प्रोटीन होती है? कई बार पूछा गया है, ये कंपटीशन वगैरह पूछा गया है कि दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो दूध में कैसीन प्रोटीन होती है और इसको पचाता कौन है? तो रेनिन नामक एंजाइम पचाता है। रेनिन नामक एंजाइम पचाता है और ये किसकी प्रोसेस पचाता है? कैल्शियम आयन की प्रोसेस में, क्योंकि कैल्शियम प्रोटीन में कैल्शियम पाया जाता है, तो कैल्शियम आयन की उपस्थिति में रेनिन नामक एंजाइम कैल्शियम प्रोटीन को कैल्शियम पैरा कैल्सिनेट में तोड़ देता है, कैल्शियम पैरा कैल्सिनेट में तोड़ देता है। तो इस प्रकार से जो हम लोग दूध वगैरह पीते हैं तो उसका पाचन हो जाता है हमारे आमाशय में। तो फिर से मैं बता रहे हैं कि जो दूध होती है उसमें कैल्शियम प्रोटीन होती है, रेनिन नामक एंजाइम कैल्शियम आयन की उपस्थिति में कैल्शियम प्रोटीन को कैल्शियम पैराकैल्सिनेट में तोड़ देता है। इस प्रकार से हमारे आमाशय में दूध का पाचन हो जाता है। अब आमाशय में वसा भी, लोग वसा भी तेल वगैरह घी वगैरह खाते हैं, तो उसका पाचन कैसे होता है? तो आमाशय को जो वसा है, आमाशय में जो वसा है उसका पाचन किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा। तो लाइपेज करता क्या है? लाइपेज एंजाइम करता क्या है? तो लाइपेज जो होता है वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है, क्योंकि वसा का निर्माण भी इसी से होता है, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल से। तो जो लाइपेज नामक एंजाइम होता है वो वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। इस प्रकार से आमाशय में पूर्णतया पाचन हो जाता है। इस प्रकार से आमाशय में पूर्णतया पाचन हो जाता है। जी, अब आमाशय में पाचन होने के बाद अब भोजन कहाँ जाता है? अब आमाशय में पाचन होने के बाद जो भोजन होता है वो ग्रहणी में पहुंचता है। जो ग्रहणी होती है वो सीके आकार की संरचना होती है। तो भोजन जब ग्रहणी पहुंचता है तो अब ग्रहणी में पाचन कैसे होता है? अब ग्रहणी पाचन को जानते हैं। तो ग्रहणी में जो पाचन होता है, तो ग्रहणी के दोनों, ग्रहणी के बाईं और दाईं दो संरचनाएं पाई जाती है। ग्रहणी जो होती है ऐसी संरचना होती है, इधर जो होता है ये अग्न्याशय लगा होता है और इधर जो होता है ये लीवर लगा होता है। ठीक, अग्न्याशय एक तरफ, अग्न्याशय होता है और दूसरी तरफ लीवर लगा होता है। तो अब क्या होता है इसमें, अब ग्रहणी में क्या होता है? तो ग्रहणी में पाचन कैसे होता है? तो ग्रहणी में अग्न्याशय से अग्न्याशय रस स्रावित होता है और पित्त से, जो पित्त गॉलब्लैडर होता है पित्ताशय, तो अग्न्याशय से अग्न्याशय रस स्रावित होता है और पित्त से पित्ताशय रस स्रावित होता है। ये रस, जो पित्त रस होता है, ये भोजन के पाचन को क्षारी बनाते हैं। भोजन के पाचन को जब क्षारी बनाते हैं तो पित्त रस की वजह से ही जो ग्रहणी में एंजाइम आते हैं वो एंजाइम सक्रिय होते हैं। अगर ये पित्त रस नहीं होगा तो ग्रहणी में पाए जाने वाले एंजाइम सक्रिय नहीं होंगे। तो एंजाइमों को सक्रिय करने के लिए पित्त रस की अहम भूमिका होती है। पित्त रस क्या करता है? एंजाइमों को सक्रिय कर देता है। अब ये एंजाइम ग्रहणी में भोजन को पचाते कैसे? तो पित्तरस का काम है एंजाइमों को सक्रिय कर देना, लेकिन अग्न्याशय से बहुत से एंजाइम स्रावित होते हैं। तो जो अग्न्याशय से बहुत से एंजाइम स्रावित होते हैं, कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं और उनका काम क्या है ये जानते हैं। तो सबसे पहले अग्न्याशय से अग्न्याशय लाइपेज स्रावित होता है। अग्न्याशय लाइपेज, जो लाइपेज यहां पर है वसा वाला आमाशय में, वही सेम टू सेम यहीं पर भी है, यहां पर भी है। ये अग्न्याशय लाइपेज करता क्या है? ये लाइपेज वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देता है। अर्थात कहे तो जो पित्त रस होता है वो वसा का एमल्सीकरण करता है, जो पित्त रस होता है वो वसा का एमल्सीकरण करता है। तो जो अग्न्याशय लाइपेज है, ये लाइपेज वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल
बदल देता है, इस प्रकार से वसा का पाचन हो जाता है। अब अग्न्याशयी रस में एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, कौन सा एंजाइम? एमाइलेज, एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, ये मंड या ग्लाइकोजन को जल अपघटित करके माल्टोसर्करा बदल देता है। तो जो एमाइलेज एंजाइम है ये अग्न्याशय का एमाइलेज एंजाइम है, ये मंड या ग्लाइकोजन को जल अपघटित करके माल्टोसर्करा बदल देता है, इस प्रकार से मंड या ग्लाइकोजन का पाचन हो जाता है। अब फिर से प्रोटीन का पाचन करना है, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जो प्रोटीन थी वो प्रोटीन जो थी, प्रोटीन का पाचन यहां पर पेप्सिन नामक एंजाइम के द्वारा हो रहा है, लेकिन यहां पर दूसरे एंजाइम आ जाएंगे। हैं ये भी प्रोटीन पाचक एंजाइम है, लेकिन इनका नाम दूसरा है, ये है ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन। तो काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन भी प्रोटीन पाचक एंजाइम ही है, लेकिन ये अग्न्याशय में पाए जाते हैं, तो इनको अग्न्याशय ट्रिप्सिन या काइमोट्रिप्सिन बोलते हैं। अब ये ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन करते हैं क्या, ये प्रोटीन को जल अपघटित करके प्रोटियोसेस, पेप्टोज और पेप्टाइड्स में बदलते हैं। प्रोटीन को जल अपघटित करके प्रोटियोसेस, पेप्टोज और पेप्टाइड्स में बदल देते हैं, ठीक। इस प्रकार से हमारे ग्रहणी में प्रोटीन का पाचन हो जाता है। अब क्या होता है, क्योंकि कुछ लोग जो है मांस मछली या सब खाते हैं, तो उनमें कोशिकाएं होती हैं और कोशिकाओं में डीएनए भी होता है, तो डीएनए का पाचन कैसे होगा? तो डीएनए के पाचन के लिए आप जो अग्न्याशय है, अग्न्याशय में न्यूक्लियस एंजाइम पाया जाता है, न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड होता है, तो न्यूक्लिक एसिड के नाम पर ही इसका नाम न्यूक्लियस रखा गया। अब ये न्यूक्लियस एंजाइम करता है जो डीएनए या आरएनए होता है, जो कोशिका का डीएनए या आरएनए होता है, सबसे पहले उसको न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है, न्यूक्लियोटाइड्स में तोड़ता है, फिर जो न्यूक्लियोटाइड्स है उनको न्यूक्लियस नामक एंजाइम न्यूक्लियोसाइट्स में तोड़ देता है। अब यहां पर जो हमारा डीएनए आरएनए है वो न्यूक्लियोसाइट्स में टूट चुका है, लेकिन अभी इसका पूर्णतः पाचन नहीं हुआ है, क्योंकि जो डीएनए आरएनए का निर्माण होता है वो तो नाइट्रोजन बेसों से होता है, ठीक। तो अभी यहाँ पर पूर्णतः पाचन नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ पर अग्न्याशय में केवल जो डीएनए आरएनए है वो न्यूक्लियोसाइट्स में बदल चुका है, अब इसका पाचन आगे होगा। फिर आगे क्या होता है, अब इतना कंप्लीटली पाचन हमारा जो है वो अग्न्याशय में हो चुका है, अग्न्याशय में इसका पाचन पूर्ण हो गया। अब भोजन जो होता है छोटी आंत पहुंचता है, तो जो भोजन छोटी आंत पहुंचा तो वहां पर इसका पाचन शुरू हो जाता है, तो जो छोटी आंत में जो ग्रंथियां होती हैं उनसे पाचक रस स्रावित होते हैं, और वो पाचक रस भोजन को किस प्रकार समझाते हैं वो देखिए। तो जो छोटी आंत है, क्षुद्र आंत है, उस छोटी आंत में सबसे पहले प्रोटीन पाचक एंजाइम, अब यहां पर देखिए यहां पर पेप्सिन था, यहां पर अग्न्याशय में ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन था, अब देखिए जब छोटी आंत पहुंचा तो प्रोटीन पाचक एंजाइम ट्रिप्सिन हो गया, ये भी एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है। हो सकता है कंपटीशन में पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन पाचक एंजाइम है, तो हमें तीनों नाम याद रखने पड़ेंगे कि पेप्सिन, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन, ये तीनों ही प्रोटीन पाचक एंजाइम होते हैं। तो ये क्या करेगा, ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम प्रोटियोसेस जो यहाँ पर टूट चुका है, प्रोटियोसेस, पेप्टोज और पेप्टाइड्स जो टूट चुका है, अब इसको और सरल पदार्थ में तोड़ेगा, तो जो ट्रिप्सिन है वो प्रोटियोसेस, पेप्टोज या पेप्टाइड्स को जल अपघटित करके अमीनो अम्ल में तोड़ देता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो अमीनो अम्ल होता है वो प्रोटीन की निर्माणात्मक इकाई होता है, क्योंकि जो प्रोटीन होती है उसका निर्माण ही विभिन्न प्रकार के अमीनो अम्लों से होता है। तो सबसे छोटी प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, अमीनो अम्ल। प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, अमीनो अम्ल। अगर तुमसे कहीं पर भी क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन होती है, तो हम बताएंगे अमीनो अम्ल।
तो अमीनो अम्ल प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है, तो यहाँ पर प्रोटीन का पाचन अब कंप्लीटली पाचन हो गया है प्रोटीन का। अब जो लाइपेज है, फिर से वही लाइपेज, लाइपेज नामक एंजाइम का सिर्फ सभी जगह सभी अंगों में एक ही काम होता है कि वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल अम्ल देना। तो लाइपेज अपना वही काम करेगा जो वहां आमाशय में किया और अग्न्याशय में किया, छोटी आंत में भी करेगा। जो लाइपेज नामक एंजाइम है वो वसा को वसी अम्ल और ग्लिसरॉल में बदल देगा। ठीक। अब जो हमारे पास माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज होता है, तो छोटी आंत में इसका पाचन कैसे होता है? देखिए C12S12 वगैरह, इसको कई नाम है, इसको कई नाम दे सकते हैं, जैसे माल्टोज है, सुक्रोज है, लैक्टोज है, इसको कई नाम दे सकते हैं। तो माल्टोज सुक्रोज या लैक्टोज जो होता है ये जल अघटित होकर ये, और लेकिन किसके द्वारा, जहां पर वही एंजाइम आ जाएगा, केवल एज जोड़ दिया जाएगा। एंजाइम आप लोगों को पता होगा कि एंजाइम में एज लगा दिया जाता है, मोस्टली एंजाइम में एज लगा दिया जाता है। तो जैसे माल्टोज था तो एंजाइम हो गया माल्टेज, सुक्रोज नाम दिया गया तो सुक्रेज, अगर लैक्टोज नाम दिया तो लैक्टेज। तो ये एंजाइम जो होते हैं, तो माल्टेज सुक्रेज लैक्टेज जो एंजाइम होते हैं, ये माल्टोज सुक्रोज और लैक्टोज को जल अघटित करके ग्लूकोज बदल देते हैं। कहाँ बदलते हैं? ग्लूकोज बदलते हैं। अब देखो जो माल्टेज सुक्रेज और लैक्टेज एंजाइम है, ये माल्टोज सुक्रोज, देखिए यहां पर हम क्या कह रहे हैं, माल्टेज, क्या कह रहे हैं, माल्टेज, यहां पर क्या हो जाएगा, माल्टोज, यहां पर माल्टोज है लेकिन यहां पर एंजाइम है, ये ना समझना कि गलत लिखा हुआ है, ये एज ए यहां पर एंजाइम है, इसीलिए इसको हमने माल्टेज लिखा है, क्योंकि माल्टेज नामक एंजाइम ही माल्टोज का पाचन करेगा, इसीलिए यहां पर माल्टोज हो जाएगा और उसको पचाने वाला एंजाइम माल्टेज हो जाएगा। अगर इसको हम सुक्रोज कहेंगे तो, अगर इसको सुक्रोज कहेंगे तो इसको पचाने वाला एंजाइम सुक्रेज हो जाएगा, अगर इसको हम लैक्टोज कहेंगे तो इसको पचाने वाला एंजाइम लैक्टेज हो जाएगा। तो ये तीनों एंजाइम इसको ग्लूकोज बदल देते हैं। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अग्न्याशय में जो डीएनए था, डीएनए आरएनए जो था वो न्यूक्लियस एंजाइम की सहायता से न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोसाइड्स में बदल चुका था, लेकिन अभी न्यूक्लियोसाइड्स बदला था, अब न्यूक्लियोसाइड्स को और सरल पदार्थों में तोड़ा जाएगा छोटी आंत में। तो छोटी आंत में क्या होता है, न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं, न्यूक्लियोसाइडेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में, न्यूक्लियोसाइडेज नामक एंजाइम की उपस्थिति में नाइट्रोजन बेस बदल देते हैं। मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स है वो नाइट्रोजन बेस बदल जाएगा, किसकी सहायता से, न्यूक्लियोसाइडेज एंजाइम की सहायता से। इस प्रकार से आमाशय, मुखगुहा, आमाशय और ग्रहणी और छोटियां, इन सब में पाचन पूर्ण हो जाता है। फिर भोजन पचने के बाद इसकी सबसे महत्वपूर्ण क्रिया होती है, वो होती है भोजन का अवशोषण और स्वांगीकरण। अवशोषण और स्वांगीकरण होता है, अवशोषण और स्वांगीकरण में क्या होता है, भोजन जो भी पोषक पदार्थ होते हैं उनको पचने के बाद जो छोटी आंत में अवशोषित कर लिया जाता है, अवशोषित करने में जो पोषक पदार्थ होते हैं उनको छोटी आंत के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है और उसको यकृत निर्वाहिका शिरा तंत्र के द्वारा यकृत में पहुंचा दिया जाता है। इस प्रकार से हमारे शरीर में भोजन का पाचन पूर्ण हो जाता है।